गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रचोप्स ला किचोप्स ला क्या है इन 1942 ए जर्मन फिजिसिस्ट नेम्ड वाज गैस्टोव क्रचोप्स स्टो किचोप्स गिव्स टू ला उन्होंने दो ला दिए टू सोल द सर्किट एंड नेम्ड एज क्रचोप्स करंट ला एंड क्रचोप्स वोल्टेज ला कॉम्प्लेक्स सर्किट का अर्थ है कि अभी तक हमने सीरीज ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा तो कई बार हमारे पास ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें ना तो सीरीज होते ना ही पैरेलल होते ठीक है तो यहाँ पर देखो जैसे एक सर्किट मैंने बनाया है इसमें ये ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है ऐसा ही ये हमारे पास एक लूप है इसमें फर्स्ट लूप है सेकंड लूप है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बैटरी है वो ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है तो वहाँ पर ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं चोप्स ला का यूज कर सकते हैं ठीक है तो किरचोप्स का फर्स्ट ला है जो हमने कल भी डिस्कस किया था किचोप्स का फर्स्ट ला बोल सकते हैं या किचोप्स करंट ला बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ला द करंट एंट्रिंग इन ए जंक्शन व्हाट इज ए जंक्शन जहां पर जैसे ये देखो दो करंट आकर मिलते हैं और यहां से करंट एग्जिट करता है तो यहाँ पर जहां पर ये सर्किट मिलेगा इट इज कॉल्ड ए जंक्शन तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट एंटरिंग इन ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लीविंग दैट जंक्शन तो हम उसको बोलते हैं किरसोप्स फर्स्ट लॉ अब देखो जो एरो है वो दिखा रहा है कि करंट है यहाँ पर एंटर कर रहा है तो यहाँ पर करंट एंटर कौन सा कर रहा है आई वन प्लस आई टू तो हम लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू यहाँ से करंट एरो बाहर की तरफ है यानी करंट यहाँ से लीव करता है तो यहाँ पर किसके इक्वल होगा आई थ्री प्लस आई फोर अगर हम इन आई थ्री और आई फोर को इक्वल से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे और इक्वल टू जीरो यानी हम कह सकते हैं कि जो एल्जैब्रिक सम होगा ऑफ आल द करंट्स अक्रॉस ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो तो एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द एल्जैब्रिक सम ऑफ द करंट्स अक्रॉस ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो ठीक है ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या है द करंट एंट्रिंग इन ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लिविंग दैट जंक्शन ठीक है तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्रिचोप्स का फर्स्ट लॉ है तो हम कह सकते हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि किसी भी सर्किट के अंदर जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही करंट वहां से उतना ही चार्ज वहां से लीव करेगा ठीक है तो इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल आता है जैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहां पर क्या है मान लिया फाइव एम्पियर करंट एंटर कर रहा है यहां पर क्या है थ्री एम्पियर करंट एंटर कर रहा है यहां पर आई थ्री है ये लीव कर रहा है मान लिया फोर एम्पियर तो यहाँ पर आगे आई फोर के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा आ सकता है आपके क्वेश्चन में ठीक है तो यहां पर देखो एंटर कितना किया फाइव प्लस थ्री एट लीव कितना किया 4. तो यहाँ पर कितना बचेगा फोर एम्पियर तो बिल्कुल सिंपल नोमेरिकल होता है आप सोल्व कर सकते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास किरचोप्स सेकेंड ला या किचोप्स वोल्टेज ला तो हम इस ला को लिख, लिख सकते हैं कि मान लिया हमारे पास मैंने एक सिंपल सा एक सर्किट तैयार किया है जिसमें हमारे पास दो बैटरी है तीन रेजिडेंसीज है तो यहाँ पर एक लूप बनाता है एक लूप है ए बी ई एफ ए तो ये फर्स्ट लूप मान सकते हैं दूसरा है बी डी बी सी डी ई बी ये सेकंड लूप है हमारे पास ठीक है इसमें एक सेल या बैटरी ई वन है एक ई टू है यहाँ से देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव है तो यहाँ पर जो करंट है वो कैसे आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मान लिया यहाँ पर करंट यहां पर रेजिस्टेंस आर वन है तो यहां से एंटर करेगा ऐसा ही यहां से करंट आई टू इधर आएगा और यहां पर देखो ये करंट एंटर कर रहा है तो यहां से करंट ये लीव करेगा तो यहां पर देखो इस जंक्शन के अक्रॉस I1 और I2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो I1 वन प्लस आई और ये R3 के अक्रॉस मूव करेगा तो हम सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे इसकी तो हम कह सकते हैं किचौ वोल्टेज ला क्या है इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट तो ये हमारा कब एप्लीकेबल है जब कोई क्लोज्ड सर्किट होगा द एलजेब्रिक सम ऑफ ई एम एफ यानी उस सर्किट के अंदर जितने भी ई एम एफ होगी सेल होंगे उनकी ई एम एफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिटेंसीज और इस रेजिटेंसीज के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी या पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज रेजिटेंसीज इज इक्वल टू जीरो इन दोनों का सम क्या होगा हमेशा जीरो के इक्वल दैट इज इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ई एम एफ प्लस में सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हमेशा किसके इक्वल होगा जीरो के तो हम इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लूप मान के चलते हैं आप इसमें चाहे क्लोकवाइज मान सकते हैं या एंटी क्लोकवाइज तो आपने एक ही डायरेक्शन में उसमें सोल्व करते हुए मूव करना है तो हम सबसे पहले लूप मान लेते हैं ए बी ई एफ ए तो यहाँ पर हमारे पास लूप है ए बी ई एफ ए तो अगर हम देखें ए से बी की तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएँ तो हम उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव मान के चलेंगे तो हम ए से बी गए पॉजिटिव से नेगेटिव गए ई एम एफ क्या होगी पॉजिटिव फिर हम देखो बी से ई e तक जाएंगे तो यहाँ पर देखो करंट ऊपर जा रहा है हम नीचे की ओर आ रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल क्या होता है वी इज इक्वल टू आई आर तो हमारे पास आई कितना है आई वन प्लस आई टू और आर कितना है आर थ्री तो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा माइनस आर यानी करंट कितना है आई वन प्लस आई टू और फिर हम ई e से एफ तक जाएंगे और एफ से जब ए तक जाते हैं तो करंट नीचे की ओर आ रहा है हम ऊपर की ओर जा रहे हैं ठीक है तो ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी आई आर यानी V इज इक्वल टू आई आर तो वहां से हम लिख सकते हैं आर वन और करंट कितना है आई वन ये इन सभी का सम क्या होगा जीरो के इक्वल ठीक है ओके तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी ऐसा ही हम सेकंड इक्वेशन में सोल्व करेंगे दूसरा लूप हमारे पास क्या है बी सी डी ई बी तो यहां पर ये सेकंड लूप कंसीडर कर लिया अब बी से सी की तरफ जाएंगे तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये ई क्या लेंगे नेगेटिव ऐसा ही सी से डी तक जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसके अक्रॉस या पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा सी से डी तक गए तो वी इज इक्वल टू आई आर आई कितना है आई टू और आर कितना है